प्रायोरिटी इन्वर्जन में सिंपली क्या है, मान लीजिए कि किसी एक प्रोसेस की प्रायोरिटी थ्री है, ठीक है, किसी एक प्रोसेस की प्रायोरिटी थ्री है, तो लेट्स से वो प्रोसेस पी वन है, प्रोसेस का नाम पी वन है, तो जिसकी प्रायोरिटी थ्री है और कोई कम्पीट भी नहीं कर रहा है तो वो नॉर्मली क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो मान लीजिए कि एक तो इसके बाद प्रायोरिटी वन का एक प्रोसेस आता है, प्रायोरिटी वन का प्रोसेस आता है, लेट से उसका नाम पी टू है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे कि जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है, जो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था पी वन, उसको हम प्रीम्प्ट कर देते हैं। प्रीम्प्ट करने का क्या मतलब है कि उसको हम निकाल देते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं करने देते हैं। तो क्या करेंगे, पी वन को एक वेटिंग क्यू में डाल, वेटिंग क्यू का क्या मतलब है कि जब पी टू कंप्लीट होगा देन पी वन आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। नाउ पी वन जो प्रोसेस है उसको हमने वेटिंग क्यू में डाल दिया, लेकिन ये जो पी टू प्रोसेस है उसको एंट्री सेक्शन ब्लॉक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब समझो क्या है कि एंट्री में मान लो कि हमने लॉक की वैल्यू जीरो ली थी, ठीक है, तो हमने कहा था कि लॉक की वैल्यू जीरो होगी तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हो जाएगी। एक पी वन प्रोसेस आता है और उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है, तो उसने क्या किया कि लॉक की वैल्यू को जीरो से वन कर दिया, क्योंकि इसने लॉक की वैल्यू को जीरो से वन कर दिया तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाए, पी1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन बीच में इस पी1 प्रोसेस को रोक दिया गया, बीच में इस प्रोसेस को रोक दिया गया लेकिन लॉक में कोई चेंज नहीं किया गया। फिर अब क्या करते हैं कि एक पी2 प्रोसेस आता है और पी2 प्रोसेस एंट्री सेक्शन चेक करता है, जब पी2 प्रोसेस एंट्री सेक्शन को चेक करेगा तो उसको लॉक की वैल्यू तो 1 मिलेगी, 0 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आने से पहले लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया। P1 अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, कंप्लीट होता तो ये लॉक की वैल्यू को 0 करता, लेकिन नहीं, P1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो P2 प्रोसेस लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया है, ठीक है, सॉरी P2 प्रोसेस लॉक की वैल्यू 1 चेक करता है, तो ये एंट्री ही नहीं कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। अच्छा, हुआ क्या है इसके कोरस्पॉन्डिंग, P2 एंटर नहीं कर पा रहा क्रिटिकल सेक्शन और P1 को प्रीम्प्ट कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो P2 एंट्री कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, ना ही P1 एग्जिट कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। तो है क्या, P1 और P2 दोनों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि P1 और P2 बोथ आर इन द स्पिन लॉक, दोनों लॉक हो गए हैं, ना P1 कंप्लीट कर पा रहा है ना P2 एंट्री कर पा रहा है, ठीक है, ना P1 कंप्लीट कर पा रहा है ना ही P2 एंट्री कर पा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में। तो यहाँ पे ये जो प्रायोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के केस में अगर हम लो प्रायोरिटी प्रोसेस को अलाउ करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, मैं सॉरी अगर हम प्रीम्प्ट करते हैं लो प्रायोरिटी प्रोसेस को, तो उस केस में दोनों स्पिन लॉक में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि जब आप एंट्री करें क्रिटिकल सेक्शन में तो इंटरप्ट डिसेबल कर दें। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गया वो कंप्लीट करके ही बाहर आएगा, उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, फिर से समझिए इस बात को। जब भी कोई प्रोसेस एंट्री करता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो एंट्री करते समय वो क्या करेगा, इवन प्रोसेस था ना हमारे वाला, कि इंटरप्ट को डिसेबल कर देगा। इंटरप्ट को डिसेबल करने का मतलब क्या है कि भले ही हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए लेकिन वो इसको क्रिटिकल सेक्शन से निकाल नहीं पाएगा, ओके, क्योंकि इंटरप्ट तो डिसेबल है, कोई भी प्रोसेस उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन के समय कभी भी इसका इंटरप्शन पॉसिबल नहीं है। जब ये क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो फिर से इंटरप्ट को इनेबल कर देगा ताकि इंटरप्शन पॉसिबल, कि बहुत सारा पार्ट ऑफ कोड है, केवल क्रिटिकल सेक्शन ही थोड़ी है, बहुत सारा अलग पार्ट है, हो सकता है कि वहां पर रिक्वायर्ड हो। तो हमने क्या किया, फिर से सुनिए मेरी बात को, कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है तो उस समय जब वो एंट्री कर रहा है तो इंटरप्ट को डिसेबल कर देगा ताकि क्रिटिकल सेक्शन में उसके एग्जीक्यूशन को कोई डिस्टर्ब ना करे। जब वो एग्जिट करेगा तो उसी इंटरप्ट को वो इनेबल कर देगा जिससे कि इंटरप्शन आगे के लिए पॉसिबल हो। तो ये जो इंटरप्शन वाला केस है या जो डिसेबल इंटरप्ट और इनेबल इंटरप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बींग हैंडल्ड ओनली इन द केस व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर द क्रिटिकल। एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको बताया था क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है एंट्री सेक्शन होता है और इसके ऊपर क्या होता है एग्जिट सेक्शन होता है।
इसके अलावा बहुत सारा और सेक्शन ऑफ कोड होता है जिसको हम रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर सेक्शन में क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो जो रिमाइंडर सेक्शन है, हो सकता है कि वहां पे हमें इंटरप्शन की आवश्यकता पड़े, तो इसीलिए हम एनेबल कर रहे हैं इंटरप्ट को एग्जिट सेक्शन में, बट डिसेबल कर रहे हैं एट दी एंट्री, ताकि क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और निश्चित रूप से अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो गई, एक्सक्लूजन तो हो गई। अच्छा, इंटरप्ट वही डिसेबल करेगा, एंट्री सेक्शन वही चेक करेगा जिसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है ना। तो इसका मतलब प्रोग्रेस भी है। प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि कोई भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री से नहीं रोकेगा। ठीक है, इस केस में भी बाउंडेड वेट गारंटी नहीं है। जिस भी प्रोसेस को एंट्री करना है क्रिटिकल सेक्शन में, बार बार वो एंट्री सेक्शन चेक कर सकता है और बार बार वो एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई भी बाउंडेड वेट नहीं। नाउ इस सोल्यूशन में आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि वही सेक्शन वही इंटरप्ट को डिसेबल कर सकता है जहां पे हार्डवेयर का सपोर्ट। इंटरप्ट को डिसेबल कोई भी नहीं कर सकता। तो जहां पे भी इंटरप्ट डिसेबलमेंट अलाउ होगा, केवल वहीं पे ये वाला सोल्यूशन चलेगा। जहां पे भी इंटरप्ट अलाउड होगा, इंटरप्ट को डिसेबल करना, इनेबल करना, केवल वहीं पे ये चलेगा। इसको हम ये नहीं मानते कि हार्डवेयर सोल्यूशन। बहुत सारे ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहां पे इंटरप्ट्स को इनेबल या डिसेबल करना अलाउड है। फॉर एग्जांपल सी में भी अलाउड है। ठीक है, सी में टीएसआर का एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेटेड स्टे रेसिडेंट का, टीएसआर का मतलब होता है टर्मिनेटेड स्टे रेसिडेंट, टीएसआर का यूज करके आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इंटरप्ट्स को। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता है। All the programming languages will not provide this kind of support. So, architectural neutral, नहीं।